कार्यक्रम तो अभी पूरा बनेगा, लेकिन ये तय है कि क्योंकि उन्होंने सद्गुरु रूप में हमारा 2 साल मिशन का मार्गदर्शन किया, हम सबका मार्गदर्शन किया, तो हम उनको बड़ा सम्मान पूर्वक विदाई देना चाहेंगे। उन्होंने मिशन के प्रमुख, कब तक उन्होंने मिशन के प्रमुख की बागडोर संभाली है, और उनके देहांत के बाद अब मिशन को कितनी बड़ी क्षति हुई है? देखिए ऐसा है कि ये अपने स्वास्थ्य उनका अपने काफी अरसे से ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य को मिशन के कार्यक्रमों में के रास्ते में नहीं आने दिया, उसको रुकावट नहीं बनने दिया, और 2 साल तक पूरा कार्य करते रहे, और उसके बाद आज ये अपने स्वास्थ्य की वजह से ही उनका अपने वो ब्रह्मलीन हुए और ये उनका समझिए अंतिम क्षण आए या किसी वाहन में ले गए। देखिए ऐसा है कि 3 घंटे का टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे चलेंगे और बॉडी तो रखी जाएगी ओपन व्हीकल में, ताकि सत्संग दर्शन भी करती रहे और अपने अंतिम को श्रद्धांजलि भी देती चली जाए। तो ये लंबी यात्रा होगी और धीरे धीरे चलेगी, तो ये उसका कार्यक्रम जो है बिल्कुल मिशन के अपने सिद्धांतों के अनुसार। माता जी के अंतिम दर्शनों के लिए कितनी सात संगत और सब यात्रा में आने की उम्मीद है? देखिए ऐसा है कि ये अंतिम दर्शन तो चलते रहेंगे, दिन रात चलते रहेंगे, और सात संगत को जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे आना चाहेगी, तो वो देखना पड़ेगा कि कितने आते हैं और कितने दर्शन करते हैं। कृपा सागर जी, माता जी का देहांत हुआ है, आज कितने बजे देहांत हुआ है और कब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, पब्लिक दर्शन के लिए कब और कहां रखा जाएगा? कि आज हमारे पूर्व सतगुरु माता सुंदर हरदेव जी महाराज ने अपना ये शरीर 5:15 के आसपास छोड़ा और निरंकार में लीन हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, और ये उन्होंने अपने अंतिम अपने श्वास अपने ही निवास स्थान पर संतरकारी कॉलोनी में, संतरकारी सत्संग भवन में, जो कि मिशन का अपने हेडक्वार्टर भी है, वहां लिए, और अभी उनका ये पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए, साध संगत के लिए, भक्तों के लिए हमारे ग्राउंड नंबर 8 में रखा जाएगा आज रात को 9 बजे से, और उसके बाद ये अंतिम दर्शन दिन रात कार्यक्रम चलता रहेगा और 7 तारीख रात तक चलेगा, और 8 तारीख बुधवार को
सुबह वहां से 9 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी, ग्राउंड से चलेगी और 12 बजे तक टिकम बोध घाट पहुंचेगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उसी दिन उसके बाद 4 बजे से ग्राउंड नंबर 2 में गुरारी रोड पर एक विशाल सत्संग समारोह होगा, जिसमें उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा भी ली जाएगी। कृपा सागर जी, माताजी का देहांत हुआ है, आज कितने बजे देहांत हुआ है और कब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, पब्लिक दर्शन के लिए कब और कहां रखा जाएगा? कि आज हमारे पूर्व सतगुरु माता सुंदर हरदेव जी महाराज ने अपना ये शरीर 5 बजे सवा 5 बजे के आसपास छोड़ा और निरंकार में लीन हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। और ये उन्होंने अपने अंतिम अपने श्वास अपने ही निवास स्थान पर संतरकारी कॉलोनी में, संतरकारी सत्संग भवन में, जो कि मिशन का अपने हेडक्वार्टर भी है, वहां लिए। और अभी उनका ये पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए, साथ संगत के लिए, भक्तों के लिए हमारे ग्राउंड नंबर 8 में रखा जाएगा आज रात को 9 बजे से, और उसके बाद ये अंतिम दर्शन दिन रात कार्यक्रम चलता रहेगा और 7 तारीख रात तक चलेगा। और 8 तारीख बुधवार को सुबह वहां से 9 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी, ग्राउंड से चलेगी और 12 बजे तक टिकम बोध घाट पहुंचेगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उसी दिन उसके बाद 4 बजे से ग्राउंड नंबर 2 में गुरारी रोड पर एक विशाल सत्संग समारोह होगा, जिसमें उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा भी ली जाएगी।